भारत माता आज इनके जय बोल रहे हैं, इनको डर नहीं आती। ये उस दिन हमारी भारत माता संपूर्ण होगी जिस दिन उनके दोनों हाथ उनके आ जाएंगे और वो असली होगी। ये जो सी है इन लोगों ने ये बंटवारा कराया जो आज बैठे हुए भारत पाक बांग्लादेश एक हो, एक हो। भारत पाक यहाँ पर जो आप आज यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि 15 अगस्त 14 अगस्त जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और 15 अगस्त हिंदुस्तान वालों ने मनाया, खूब लड्डू खाया, खूब किया, लेकिन जो लाखों लोग कत्ल किए गए, जिनकी संपत्तियां लूटी गई 14 तारीख से ही, जिनकी कुर्बानियां हुई, उनके लिए दोनों देशों की सरकारों ने कभी कोई श्रद्धांजलि शब्द नहीं बोले। तो हम लोगों ने आज इसलिए इसको किया कि सबसे बड़ी बात जो है, जो इसमें निर्दोष महिलाएं, आदमी, उनकी संपत्तियां, उनकी ट्रांसपेरेंसी सब चली गई, उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ रखा। और क्यों ये हुआ, लाखों लोग मर रहे हैं कश्मीर, उसके ऊपर लड़ रहे हैं, ये लोग पैसा जा रहा है, नौजवान मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, और देश के लोगों में डर पैदा करके बेईमानी के तरीके से सरकारें बना के उसमें लूट कर रहे हैं। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनकी जो कुर्बानियां हुई हैं हमारे भाइयों की, माताओं की, भाइयों की, पिता कुल लोगों की, उनको हमने श्रद्धांजलि देना उचित समझा, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, जो लाखों लोग मरे और उसके बाद ये आज़ादी इनको मिली है, रास्ते मरे उनको हम लोग याद किया है। ये बाघा बॉर्डर पे होता है, आज ही के दिन पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, हिंदुस्तान से भी जनता जाती है। हमने लखनऊ से शुरू किया है क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ से अब एक क्रांति शुरू हो और एक ऐसा हिंदुस्तान बने जो ग्रेटर हिंदुस्तान, जो शहीदों के सपनों का था, खान अब्दुल गफ्फार खान, भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, इनके सपनों का भारत बने जिसमें कि एक आदमी को हटा के दूसरा आदमी ना बैठ जाए बल्कि व्यवस्था परिवर्तन हो जो होनी चाहिए। इसलिए हमने इसको शुरू किया है और इनकी कुर्बानी जो हमारे भाइयों, बच्चों, बहनों की गई है उसको हम लोग सलाम करने के लिए मुख्य रूप से 14 तारीख को भारत पाक बांग्लादेश एक हो, भारत पाक बांग्लादेश एक हो, एक एक। आज राजधानी लखनऊ के जीपीओ पार्क स्थित काकोरी स्तंभ पर जो है तमाम क्रांतिकारियों ने पाक और भारत के बंटवारे में जो लोग मारे गए थे उनको जो है श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की। कैमरामैन विमल के साथ शाहिद अभी लखनऊ।